बाद अब बात करते हैं भिंड की, जहां हुई बेमौसम बारिश और आंधी तूफान से किसानों की खड़ी फसल बर्बाद होने की कगार पर पहुंच चुकी है। अब किसान परेशान हैं कि जिस खेती के लिए उन्होंने कर्ज लिया था उसकी भरपाई कैसे की जाए। बेमौसम बारिश ने बढ़ाई परेशानी। किसानों की मेहनत पर फिरा पानी। खेतों में खड़ी गेहूं की फसल हुई बर्बाद। किसानों की गुहार, मदद करो सरकार। मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश और तूफान का असर खेतों में साफ दिखाई दे रहा है। तस्वीरें भिंड की है, जहां बारिश और आंधी तूफान के चलते किसानों की खड़ी गेहूं की फसल पूरी तरह से जमीन पर लेट गई है। यहां बारिश से ज्यादा तूफान ने फसल को बर्बाद कर दिया है। अपनी साल भर की मेहनत को इस तरह बर्बाद होता देख किसान परेशान है। फसल 10 बीघा जमीन में लगाई थी, सरसों भी थी, गेहूं भी थे, तो दोनों फसल चौपट हो चुकी है। गेहूं में तो दाना भी नहीं पड़ा था, सरसों पक चुकी थी लेकिन पानी पड़ गया है, तो उसमें सारी सरसों जड़ जाएगी खेत में ही, और कटाई भी नहीं हो पाएगी ढंग से, बर्बाद हो जाएगी। दीमक वगैरह लग जाती है उसमें पानी पड़ने के बाद, और सारी फसल उधारी लगाई थी किसानों, पैसा ले लगा कर, और दुकानों से भी माल उठाया था वो भी उधार उठाया था, सारा पैसा देना है कहाँ से देंगे, करीबन 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान भी हो चुका है। दरअसल शुक्रवार और शनिवार की रात भिंड में बारिश के साथ जमकर आंधी तूफान आया। सुबह जब किसानों ने खेतों में जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि किसानों के साल भर की मेहनत बारिश और तूफान के चलते जमीन पर बिछ गई। किसानों के आगे अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस फसल को कैसे काटा जाए, क्योंकि जमीन पर गिरी फसल को काटने के लिए मजदूर भी तैयार नहीं होते। ऐसे में किसानों पर मौसम की दोहरी मार पड़ी है, क्योंकि किसानों ने खेती के लिए जो कर्ज लिया था उसे जमा करने की तारीख नजदीक आ गई है। ऐसे में किसान काफी परेशान है। एक किसान अपने पूरे वर्ष में शुरुआत से कर्जा उठाता है, चाहे वो गवर्नमेंट से उठाए या सूदखोरों से उठाए, बगैर कर्जे के कोई फसल पैदा नहीं की जा सकती, क्योंकि रासायनिक खाद, उसके बाद पानी और बीज, जुताई सब कुछ करने के बाद आज जब हम दिवाली मनाने चले थे, क्योंकि फसल आती है तो किसान को खुशी होती है, आज वो फसल ही नहीं है। अब हम कैसे कर्जा चुकाएंगे, कैसे बैंकों का कर्जा चुकाएंगे, हमारे पास कोई साधन नहीं है इसको कर्जा चुकाने का। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कल ही किसानों को आश्वस्त किया है कि जल्द ही नुकसान का सर्वे कर राहत राशि दी जाएगी, लेकिन इन इलाकों में अभी तक कोई भी दल नुकसान का सर्वे करने के लिए नहीं पहुंचा। सर्वे को लेकर जब कृषि अधिकारी से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी सुन लीजिए। गेहूँ अभी खत्म होने का तो प्रश्न इसलिए नहीं उठता है, क्यों गेहूँ अगर ओले गिरते या पकने के स्टेज पर होता और बिल्कुल वो लेट जाता, अभी मिल्किंग स्टेज पर अपना हीट है और तेज हवा के कारण गिरने के कारण इतना ज़्यादा उसमें नुकसान की संभावना नहीं है। आपको जैसा पता है कि बारिश ज़्यादा नहीं हुई है, हल्की बूंदाबांदी हुई है, वो गिरने का कारण ही तेज हवा थी, इसलिए वास्तविक आंकड़ा तो बाद में आएगा ही आएगा, लेकिन अभी भी जो जनरली देखने में आ रहा है वो इतना ज़्यादा नुकसान है नहीं। किसानों के आगे कर्ज चुकाने का संकट है। बहरहाल किसानों की नज़र अब सरकार पर है कि उनके नुकसान का सर्वे हो और उन्हें जल्द से जल्द राहत राशि दी जाए। भिंड से सुशील शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।